नमस्ते सर। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहे हैं मैडम आपके? सर भूगोल, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य। भूगोल, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य। मुझे बताइए कि हिंदी भाषा की वर्तमान में संवैधानिक स्थिति क्या है? सर हिंदी तो मेरे को जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन करो, सॉरी सर हिंदी के लिए। ज्योग्राफी और पॉलिटी है ना? तो नहीं मुझे हाँ ज्योग्राफी जी पॉलिटी की जी बात कर जी रहे हैं जी आप? सर। चलो मुझे बताइए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1999 है ना, तो बड़ी घटना हुई थी 1999 के अंदर, जी सर। उस घटना को बता सकते हैं आप? सर 199 में एक तो आर्थिक सुधार हुआ था और सोवियत संघ का संगठन हुआ था। भारत से संबंध में 1999 की कोई घटना? सर भारत के संबंध में कोई घटना की जानकारी नहीं है। चलिए ये बता दीजिए कि अभी जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है 2020 में, जी सर और उसके बाद में जो है लगातार एक पढ़ने के फील्ड में हम लोग जी हैं, सर कौन कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैंने तैयारी तो सबकी की थी, साथ में रीट, पटवार, ग्राम सेवक, RSP सब का ही किया था। आज से 5 साल बाद में आप अपने को क्या देखना चाहते हैं? सर मैं पुलिस विभाग में सेवा देना चाहती हूँ। तो आपको नहीं लगा कि भाई जो फिर अपने पटवारी की तैयारी की है, ग्राम सेवक की तैयारी की है, वो अपने समय और अपनी क्षमता को हमने दुरुपयोग किया, उसको खर्च किया है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, बट मैं पुलिस विभाग में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि पुलिस विभाग में कानून और नीतियाँ बनाई जाती हैं। पुलिस विभाग में कानून बनता है, नीतियां बनती है, जी सर। तो फिर विधानसभा में और संसद में क्या होता है? कानून में सर जैसे आम आम नागरिकों की सेवा सेवा का भी मौका मिलता है। आम नागरिकों की सेवा तो आप नर्स बन के ज्यादा अच्छे नहीं कर सकते हैं। सर इसमें अपराधों की भी देखरेख कर सकते हैं, कानून व्यवस्था को भी बनाए रख सकते हैं। नहीं, कानून व्यवस्था को बनाए कैसे रख सकते हो आप? कानून व्यवस्था ये तो सर अगर व्यक्ति चाहेगा तो व्यवस्था बनेगी। मैं चाहूंगा जी कि सर कानून का पालन करूं, मैं चाहूंगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो रेड सिग्नल आए तो रुक जाऊं, है जी सर ना, तो मैं ये कानून व्यवस्था बनेगी। और अगर हम तीनों ने ये मिलकर तय कर लिया कि ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना ही तोड़ना, आप अकेले हैं वहाँ चौराहे पर, जी किस सर किस को और कैसे रोकेंगे आप उस कानून व्यवस्था को बचाने के लिए? भाई जी सर वहाँ पे भीड़ भाड़ को कम करेंगे। रोड के ऊपर भीड़ भाड़ कैसे कम कर सकते हो? वो तो जो आना जाना है वो तो लगा रहेगा। सॉरी सर चलिए खैर कोई बात नहीं, आप ही बताइए कि ऐसे ही बनने का प्लान कब आपके दिमाग में आया? सर ऐसा ही बनने का प्लान मेरे फर्स्ट ईयर से आया। फर्स्ट ईयर से है। किससे प्रभावित हुए आप? सर मैं प्रभावित तो मेरे एक चाचा जी वो भी पुलिस सेवा में है, अच्छा, तो मेरे चाचा जी बोलते हैं कि टीचर लाइन तो ये टीचिंग लाइन, इसमें तो डेली जाओ वो एक ही पार्ट पढ़ाना यही होता है, और पुलिस में डेली अलग अलग व्यक्तियों को देखने का मौका मिलता है। तो आपको नहीं लगता है कि एक महिला होने के नाते जो है पुलिस विभाग की नौकरी, जो 24 घंटे की नौकरी है, जी सर परिवार के अंदर और प्रोफेशन के अंदर जी सर समन्वय स्थापित करना एक महिला के लिए बहुत मुश्किल काम है, जी लगता है आपको भी? जी मुश्किल नहीं लगता है कैसे समन्वय कर सकते हैं आप? सर, मैं मेरी ड्यूटी निभाऊंगी और ड्यूटी निभाएंगे और सर मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगी। कर्तव्य का पालन तो कभी भी कर सकते हैं अपन, कहीं पर भी कर सकते हैं। अपराधों में भय होगा उनको कम करूंगी। भय को कम करेंगे, जी सर भय कम हो जाएगा तो अपराध कैसे रुकेंगे? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आज तक जितने भी डिसीजन हैं, जो आपके 10th में आपने जो सब्जेक्ट लिया, 12th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ाई की, ग्रेजुएशन में जो आपने किया, तो आप अपने डिसीजंस खुद से लेती हैं कि आपके लिए कोई डिसीजन खुद देता है? सर मैं डिसीजन तो खुद ही लेती हूँ, सारे डिसीजन यूँ मेरे पापा भी बोलते हैं पर मैं डिसीजन मेरे मैं खुद ही लेती हूँ। तो फिर आप SI में जाने वाले डिसीजन अपने चाचा के बोलने पर क्यों लिए? चाचा को मैं चाचा को बोलने पर नहीं लिया, चाचा की जॉब देख के मेरे को यूँ लगा कि मैं भी पुलिस सेवा में जाऊँ।
आपका लाइफ का रोल मॉडल कोई है जिसने आपको प्रभावित किया हो, इन्फ्लुएंस किया हो? किसी को रोल मॉडल सर समझती हैं आप? नहीं नहीं समझती? नहीं सर, अच्छा, आपका हॉबीज क्या है, वो भी सर रस्सा कसी है मेरा, तो क्या होता है इसमें? रस्सा कसी खेल है ये हाँ, तो क्या मतलब इसमें कितने टीम्स होते हैं, टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? सर। टीम तो जितनी आती उतनी होती है, बट एक टीम में 10 प्लेयर होते हैं और उसमें 2 एक्स्ट्रा होते हैं और 8 खेलते हैं। तो आपने इस टीम में क्या किया है, मतलब कि जो एक प्रतिभागी के रूप में लिया है या लीडर के रूप में काम किया है, इसमें कैसे आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है? सर मैं इसमें लीडर भी रही हूँ और प्रतिभागी खिलाड़ी भी रही हुई तो हूँ किस लेवल पर इस गेम को आपने खेला है, स्कूल लेवल पर, सर। स्टेट मैं स्टेट लेवल पर खेली हूँ और नेशनल लेवल पर भी खेली हुई हूँ, अभी भी लेवल पे भी खेला और नेशनल लेवल नेशनल पे भी। भी? हाँ तो स्पोर्ट्स में आपका काफ़ी रुचि रहा है, जी सर, तो इसको, इस गेम को कहाँ तक मान्यता दी गई है अभी तक? सॉरी अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके? सर, भूगोल, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। प्रधानमंत्री बनने के लिए मेन जो एज होता है, आयु होती है, वो क्या होता है? सॉरी सर, अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप में क्या ऐसी 3 क्वालिटीज हैं कि आपको ऐसा ही बना दिया सर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, विश्वसनीयता। गया? और कोई 3 वीकनेस बताइए अपनी, 3 कमजोरी। हर इंसान तो परफेक्ट होता नहीं, जी सर, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ 3 ऐसी वीकनेस है जो आगे आपको सफल होने से रोक सकती हैं? सर कमजोरियत है बट मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी तो मैं वही 3 कमजोरी के बारे में पूछ रहा हूँ। सर। कमजोरी जैसे कोई काम आ गया है तो उसको, किसी काम को पूरे उसी टाइम में मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो आपको कभी व्यक्तिगत पुलिस थाने जाने का अवसर मिला है? सर नहीं मिला, आपने कभी पुलिस थाना देखा नहीं है? देखा हुआ तो है सर बट मैं अंदर एंटर तो नहीं हुई कभी। अच्छा, ये बताइए कि जो पुलिस है वो कौन से विभाग के अधीन आती है और अब वर्तमान में उसका कौन है मिनिस्टर, पुलिस राज्य सरकार के नहीं है, कौन सा डिपार्टमेंट? पुलिस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट पुलिस नहीं है, वो डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट के, उसके मंत्री कौन है अभी? मंत्री सर, सॉरी, पुलिस का मुखिया कौन होता है, पुलिस का मुखिया मुखिया सबसे हेड कौन है, उस पोस्ट का नाम जानना चाह रहे हैं। जीरो नंबर FIR के बारे में बताइए थोड़ा। सर। 0 नंबर FIR तो ये एक ऐसी FIR है जिसमें किसी अपराधी ने पहली बार जिस पुलिस थाने में जिसको किसी ने पहली बार अपराध हो गया है तो वो दोबारा उसी थाने में जाके अपनी रिपोर्ट नहीं दर्ज करेगा, दूसरे थाने में जाके वो रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। भारत का संविधान पढ़ा है आपने, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट भी रहा है, जी सर पढ़ा। उसकी प्रस्तावना की पहली लाइन बता सकते हैं? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। अगर आपका इस सब इंस्पेक्टर पद पे चयन नहीं होता है तो आप क्या करेंगी? सर सब इंस्पेक्टर पद पे चयन नहीं होता तो मैं पहले कोई भी दूसरी नौकरी भी लूंगी बट मैं आखिरी इस सब इंस्पेक्टर को ही लूंगी। पहले खुद पर आत्मनिर्भर होने के लिए सर पारिवारिक कंडीशन के हिसाब से मैं दूसरी नौकरी भी ले लूंगी बट मैं कोशिश करूंगी मैं सब इंस्पेक्टर में ही जाऊंगी लास्ट तक जहां हो सके जब। अच्छा, ये जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसके क्या अधिकार होते हैं, कभी पढ़ा आपने इसके बारे में? गिरफ्तार व्यक्ति को जिसको भी गिरफ्तार करती है पुलिस, उसका भी कोई अधिकार होता होगा, जी सर, क्या होता है? सर गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार तो उसको गिरफ्तारी के क्या कारण है उसको जानने का अधिकार होता है और उसको 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार होता है। IPC और CRPC क्या होती है, CPC क्या होती है?
आईपी सर, ये भारतीय दंड संहिता है जो 1860 में लागू हुआ था, और सीआरपीसी का तो सर पुलिस का जो अभी भारत का कानून है वो अंग्रेजों का जमाने का है, जी सर। आपको लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए या बहुत बढ़िया चल रहा है? सर बदलाव को भारत का विकास होना चाहिए। भारत का विकास तो हो रहा है लेकिन लॉ की जो व्यवस्था है वो हमारी पुरानी है, तो इसमें बदलाव आप जरूर समझते हैं या सब बढ़िया चल रहा है? सर चल तो अच्छा ही रहा है, बट बाद में अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा जी, मुझे बताइए भारत में महंगाई बढ़ गई है मैडम, जी सर, इसका एसआई से क्या लेन देन है? ऐसे ही से हाँ सर, महंगाई बढ़ गई तो ये सब जगह ही बढ़ेगी, बात में एक बात कानून व्यवस्था से कोई नहीं, तो कनेक्शन? इस कानून व्यवस्था से या एसआई के पद से, क्या एसआई बनने के बाद आप महंगाई को कम करवा देंगे? सर हम तो महंगाई को कम नहीं करवा सकते। तो यही तो कह रहा हूँ कि भी इसका ऐसे ही बन करके आप क्या क्या बदलाव करवा देंगे समाज में? समाज में सर मैं महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव डालूंगी। चलिए ये बता दो, केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही है? सुकन्या समृद्धि योजना भी है, उज्ज्वला योजना है, और इंदिरा गांधी मिशन योजना भी है। ये क्या होती है इंदिरा गांधी मिशन योजना? ये सर इंदिरा गांधी मिशन योजना है, महिलाओं के लिए लागू की गई है, जिसमें महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलता है। कितने दिन का रोजगार मिलता है? रोजगार सर 100 दिन का। ये जो है नरेगा वाली योजना है या उससे हटकर क्या कोई योजना है? सर नरेगा वो तो अलग है। अच्छा, नरेगा में कितने दिन का रोजगार है? सर नरेगा में 100 दिन का रोजगार है। 100 दिन का है। काम कैसे, कच्चे होते हैं पक्के होते हैं? सर नरेगा में कच्चे काम होते हैं। और ग्राम पंचायत जो कार्यालय है जी उस सर, कार्यालय का प्रभारी या कार्यालय का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत कार्यालय का अध्यक्ष सरपंच होता है सर। सरपंच होता है। कंफर्म हो आप? नहीं सर, कंफर्म नहीं है नहीं। आप तो? चलिए सर, ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सर।